पाकिस्तान ने तैयार की लॉर्ड्स वाली पिच, बांग्लादेश से बदला लेने चल रही महा प्लानिंग। साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है N7 स्पोर्ट्स के एक और नए वीडियो में। दोस्तों बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान का दौरा कर रहा है, जहां दोनों टीमों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी में खेला गया, जहां बांग्लादेश ने इतिहास रच दिया। उन्होंने मेजबान पाकिस्तान को पहली बार टेस्ट क्रिकेट में हराया। बांग्लादेश ने 10 विकेट से मैच अपने नाम किया, पिच बल्लेबाजों के हक में रही। इस वक्त बांग्लादेश सीरीज में 1-0 से आगे है। वहीं अब सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 30 अगस्त से रावलपिंडी में ही खेला जाएगा। हालांकि दूसरे टेस्ट के शुरू होने से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में दूसरे टेस्ट की पिच को दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में दूसरे टेस्ट मैच की पिच को दिखाया गया है। पिच पूरी तरह से ग्रास से ढकी हुई है, पिच बिल्कुल हरी है। इस तरह की पिच अक्सर इंग्लैंड के मैदान जैसे लॉर्ड्स, एजबेस्टन आदि में देखने को मिलती है। पिच के पास पाकिस्तान टेस्ट टीम के कोच जेसन गिलसरी, बाबर आजम और शाहीन आफरीदी खड़े हुए नजर आ रहे थे। बाबर और शाहीन आपस में कुछ बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। बांग्लादेश के खिलाफ पहले मुकाबले में पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट कप्तान और स्टार बल्लेबाज बाबर आजम पूरी तरह से फ्लॉप रहे। पहली पारी में तो वह खाता भी नहीं खोल पाए, जबकि दूसरी इनिंग में बाबर सिर्फ 22 रन बनाकर आउट हो गए। इस खराब प्रदर्शन से उन्हें काफी नुकसान हुआ। बुधवार को जारी हुई ICC टेस्ट रैंकिंग में उनको 6 स्थान का नुकसान हुआ। बाबर तीसरे पायदान से सीधा 9वें पायदान पर पहुंच गए हैं। दोस्तों अब हम आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो 15 सदस्य टीम है उसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों पाकिस्तान की जो टीम है वो है अब्दुल शरीफ, सैम अयूब, शान मसूद जो कि टीम के कप्तान हैं, बाबर आजम, साउथ शकील, मोहम्मद रिजवान जो कि टीम के विकेट कीपर है, आकाश सलमान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, मीर हमजा, कामरान गुलाम, अबरार अहमद, सरफराज अहमद, मोहम्मद हुरैर, अमेर जमा। साथियों अब हम बांग्लादेश की टीम के बारे में बात करते हैं। सादमन इस्माइल, जाकिर हसन, नजम हुसैन सांतो जो कि टीम के कप्तान हैं, मोमिनुल हक, मुशफिकुर रहीम, साकिब अल हसन, लिटन दास जो कि टीम के विकेट कीपर है, मेहंदी हसन मिराज, हसन महमूद, सोरफुल इस्लाम, नहीद राणा, महमूदुल्ला हसन जॉय, खलील अहमद, नईम असीम, तस्कीन अहमद एवं तजुम इस्लाम। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज में बराबरी कर पाएगी या बांग्लादेश की टीम इतिहास रच देगी? दोस्तों आपको क्या लगता है, इस पर आप अपनी कमेंट जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, इस पर भी आप कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों एक और नए बहुत धमाकेदार वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।